बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। आज अमेठी और रायबरेली में घर घर में सिर्फ यही चर्चा है कि आखिर कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। और ये अमेठी रायबरेली के इतिहास में, यानी देखा जाए 5 दशक के इतिहास में, पहली बार यह ऐसा देखा जा रहा है कि इनके अभी प्रत्याशी नहीं उतर पा रहे हैं, जबकि कल नामांकन का लास्ट तारीख है, लास्ट डेट है। आप सोचिए कि कल 3 बजे के बाद नामांकन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी, और आज 2 मई है और आज तक अभी उम्मीदवार का पता नहीं है। लोग रात भर बैठे रहे, मैं स्वयं लगभग 2 बजे रात तक जगा हूँ। हो सकता है कि रायबरेली या अमेठी की सीट आए तो क्या राजनीति किस ओर करवट लेगी, उस पर मैं कुछ रणनीति के तहत कुछ सोचूं कि आखिर कल क्या करना है। लेकिन रात पूरी निकल गई और हमसे भी ज्यादा इंतजार उनके फॉलोवर्स कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, अमेठी रायबरेली की जो कांग्रेस की जो जनता है वह कर रही है। लेकिन वह लिस्ट नहीं आई, अभी तक लगभग 9 बज चुके हैं, लिस्ट का कोई अता पता नहीं है। अभी नामांकन की प्रक्रिया 11 बजे से शुरू हो जाएगी, 3 बजे तक खत्म हो जाएगी। चूंकि नामांकन सिर्फ एक नामांकन प्रोसेस नहीं है, बकायदे उसके लिए पूरा कागज लिया जाता है, 3 से 4 सेट पेपर लिए जाते हैं, बकायदे उसको भरा जाता है, कोई गलत जानकारी नहीं होती है, उस पर साइन होती है। ये देखना होगा कि बीती रात जो खबर आई थी कि सोनिया गांधी ने दोनों से बात की है और दोनों को आदेश दिया है कि दोनों रायबरेली और अमेठी से लड़े, उसके बाद क्या नतीजा होता है, क्या फैसला लिया जाता है। शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई यानी कल है, लेकिन अब तक प्रत्याशियों का पता नहीं है। इनमें 2 सीटें न सिर्फ सबकी नजरें इन पर टिकी हुई है बल्कि सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि ये तो परिवार का गढ़ है। तो आखिर इस पर इतना सस्पेंस क्यों है, इसे लेकर इतना डर क्यों है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। जनभावना है कि गांधी परिवार का लड़े और मेरी भी यही भावना है। बैठक पर बैठक, लेकिन फैसला कुछ नहीं और नतीजा अब भी सस्पेंस बरकरार है। बात उन 2 सीटों की जो कांग्रेस का गढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीदवारों को चुनने में डर लग रहा है। अमेठी और रायबरेली जो दोनों सीटें गांधी परिवार का गढ़ कही जाती हैं, इन्हीं सीटों से कांग्रेस के तमाम दिग्गज जनता के आशीर्वाद से कई बार संसद पहुंचे, लेकिन 24 के चुनावी महासमर में इन दोनों सीटों पर प्रत्याशियों का अब तक पता नहीं है। नामांकन की तारीख आई, प्रत्याशी का पता नहीं, परिवार का गढ़ फिर क्यों लग रहा डर। अमेठी और रायबरेली सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं चुन पाई है। चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी की चुनावी लॉन्चिंग होगी। चुनावी समीकरण, क्योंकि अभी हमारे कैंडिडेटर को लेके कि रायबरेली से कौन लड़ेगा, वहां से लड़ेगा, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। जन भावना है कि गांधी परिवार का लड़े और मेरी भी यही भावना है कि गांधी परिवार से यहाँ लड़े। सवाल ये है कि कांग्रेस के दिमाग में अमेठी और रायबरेली को लेकर क्या चल रहा है। क्या राहुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, या फिर कांग्रेस को दोनों सीटों पर हार का डर सता रहा है। 2019 में भारत की राजनीति में इतिहास रचा, जब अमेठी के साधारण कार्यकर्ताओं में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके दर में। अमेठी और रायबरेली के साथ ही कैसरगंज की कहानी और भी दिलचस्प है। यहां अभी तक ना तो बीजेपी, ना ही SP और ना ही BSP ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। सभी सियासी दल वेट एंड वॉच के मूड में हैं। हालांकि बीजेपी के बाहुबली नेता ब्रजभूषण कई बार मैदान में उतरने की ताल ठोक चुके हैं। 26 तारीख को न्योता करेंगे, 27 को टिकट का इंतजार करेंगे, 28 तारीख को लगन बहुत है न्योता करेंगे, और 29 से दाबन दाम मचा देंगे। तो अमेठी, रायबरेली और कैसरगंज यूपी के चुनावी अखाड़े में इन तीनों ही सीटों पर मंथन का दौर जारी है। हालांकि लोगों की सबसे ज्यादा नजरें रायबरेली और अमेठी पर टिकी हैं, क्योंकि इन दोनों सीटों को कांग्रेस की राजनीतिक कर्म भूमि के तौर पर देखा जाता है। चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा
राहुल और प्रियंका को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच आपको बता दें, मंडी की सियासी जंग और दिलचस्प हो गई है। अब कंगना रनौत ने विक्रमादित्य पर जोरदार हमला किया और यह कहा कि अभिनेत्री होने के नाते मुझे अपवित्र कहा गया। वीरभद्र जिंदा होते तो फटकार लगाते, कहते बड़ी बहन से माफी मांगो। तो कंगना रनौत ने विक्रमादित्य पर हमला बोला और ये कहा कि अभिनेत्री के नाते अपवित्र कहा गया। वीरभद्र जिंदा होते तो फटकार लगाते, कहते बड़ी बहन से माफी मांगो। तो आपको बता दें, मंडी लोकसभा सीट जहां पर कंगना रनौत और विक्रमादित्य के बीच तगड़ा मुकाबला और इस बीच लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर भी जारी है। अब कंगना रनौत ने विक्रमादित्य पर हमला किया, क्या कहा जरा सुनिए। इन्होंने सिर्फ पुस्तकों में पढ़ी हुई है, ये राजा रजवाड़ों के बेटे हैं। आज वीरभद्र जी माननीय वीरभद्र जी होते तो उनका दिल भी दुखी होता। उन्होंने अगर अपनी हिमाचल की बेटी, कितना मुश्किल होता है एक पहाड़ी के लिए बाहर जाना और सम्मान कमाना, आज अगर हमारे परम पूजनीय वीरभद्र जी होते तो उनका दिल कितना दुखता कि हमारी बेटी को कहा कि वो अपवित्र है और वो निश्चय ही टीका जी को डांट लगाते और बोलते कि तू अपनी बहन से माफी मांग। लेकिन आज उनको ऐसा बोलने वाला, उनको समझाने वाला कोई नहीं है। बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे, दरअसल गलत भाषा के इस्तेमाल पर जयराम ठाकुर ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है जनता मुंहतोड़ जवाब देगी, कंगना की एक पहचान है और उस पहचान को क्षति पहुंचाई गई है। तो गलत भाषा के इस्तेमाल पर जयराम ठाकुर ने अब हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। बीजेपी के मुंहतोड़ जवाब देने के साथ ही उन्होंने कहा कि कंगना की अपनी एक अलग पहचान है। दरअसल मंडी सीट से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत और विक्रमादित्य के बीच जुबानी जंग जो है वो लगातार जारी है। और अब जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। लेकिन अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी गलत भाषा तो नहीं करेगी, लेकिन जवाब जोरदार तरीके से देंगे कि अगर हमारे परिधान को आप लगाएंगे तो हमारा भी प्रमोशन होगा और उसमें हिमाचल का कल्चर, हिमाचल का ट्रेडिशन, हिमाचल की संस्कृति, उसका प्रमोशन अगर होगा तो उसमें अच्छा रहेगा। और जब हिमाचल की बेटी हैं, वो हिमाचल के परिधानों को अगर पहन करके वो लोगों के बीच में जा रही है तो मैं समझता हूँ कि ये चर्चा का विषय क्यों बनना चाहिए, इस बात से परेशानी क्यों है। जहाँ तक हमारी बात कह रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के कार्यकर्ता के साथ मेरे ऊपर जिम्मेवारी है। की नेता प्रतिभा सिंह ने कंगना रनौत पर टिप्पणी की है। कंगना की रैली में भीड़ पर कसा तंज, कहा हसीन परी कैसी दिखती है, ये लोग देखने आते हैं, कोई वोट नहीं देगा। भीड़ लग रही है इसका मतलब ये नहीं कि लोग वोट देंगे। टिप्पणी की कि वो हीरोइन है, हसीन है, इसलिए लोग उन्हें देखने आ जाते हैं। अब लोग भी जब उसमें फेसबुक में देखते हैं या उसमें व्हाट्सएप पे देखते हैं तो लोगों को होता, हमने भी शानी थी जी, हमने भी देखनी थी कैसी है वो हसीन परी। तो उसको देखने के लिए भी लोग जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं, हमने भी देखनी क्या चीज है वो। पर वो वोट में नहीं कन्वर्ट हो सकते वो लोग, उनका वोट नहीं जा सकता। ठीक है, उसको मौका मिलता, 8-10 साल काम करती तो लोग उसको सराहते। और अब 2 मिनट में भारत उधमपुर कठुआ एंटी टेरर ऑपरेशन का 5वां दिन। ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना को किया गया शामिल, आतंकियों के छिपे होने के शक में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के सांबा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया, मुठभेड़ में घुसपैठ किया ढेर। राजस्थान के अजमेर में लोकसभा चुनाव के लिए रीपोलिंग, राजस्थान की सभी 25 सीटों पर 19 और 26 अप्रैल को हुआ था मतदान, बूथ पर पोलिंग पार्टी की गलती के कारण आज फिर वोटिंग। विक्रमादित्य सिंह के अपवित्र वाले बयान पर कंगना रनौत का पलटवार, कहा अगर पूर्व सीएम वीरभद्र होते तो आज डांट कर कहते कि अपनी बड़ी बहन से माफी मांगो।
प्रधानमंत्री मोदी का आज गुजरात दौरा, गुजरात में 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, सुबह 11 बजे आनंद में, 1 बजे बड़वाना में, दोपहर 3:15 बजे जूनागढ़ में और शाम 5 बजे के करीब जामनगर में करेंगे जनसभा को संबोधित। आज यूपी के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, बरेली, बदायूं और सीतापुर में करेंगे जनसभा। लखनऊ में 5वें चरण की सीटों पर तैयारियों को लेकर संगठनात्मक बैठक भी करेंगे।